मैं आपको बता दूं कि आज ऑफिस मेरा मेरा लास्ट डे है। मैंने सोचा कि आपको मूवी का थोड़ा रिव्यू दे दूं। कम कम डाल, इतना खाएगी। मैंने ड्राइव भी नहीं करी क्योंकि मुझे ऐसे ही अच्छी लग रही है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइस, आज संडे है एंड आज मेरी और भाई दोनों की छुट्टी है। ये एक रैंडम व्लॉग है, अ डे इन माय लाइफ, ये है इस व्लॉग का टाइटल। तो मुझे नहीं पता है इसमें क्या होने वाला है। फिलहाल पता है अभी ना हम ना मूवी देखने जा रहे हैं शैतान। तो सबसे पहले सुबह उठ के हमारा यही प्लान बना है एंड अब सबसे पहले हम वहीं जाएंगे। अभी तक मैं रेडी नहीं हुई हूँ तो बस अभी ब्लॉग स्टार्ट करना था। मैं आपको ना रेडी होकर मिलती हूँ, ठीक है। हे एवरीवन, सो गाइस मैं रेडी हो गई हूँ एंड मैंने ना मेकअप नहीं किया है क्योंकि कल रात को भी ना शादी में मेकअप किया था, जिस वजह से ना मेरे फेस पे ना पिंपल आ रहे हैं। तो मुझे ना मेकअप सूट नहीं कर रहा, इसलिए मैंने मेकअप नहीं किया, सिर्फ सनस्क्रीन लगाई है, मॉइस्चराइजर लगाया है और मैं रेडी हो गई हूँ। अभी ना लेट हो रही हूँ काफ़ी क्योंकि भैया के ना 3-4 कॉल आ गए, इसलिए मैं ना जल्दी से निकल रही हूँ, नीचे जा रही हूँ। अभी रूम को ना थोड़ा इग्नोर करना, काफ़ी मैसी है, मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला सफाई करने का, आकर कर लूँगी। फिलहाल निकलती हूँ। हे एवरीवन, सो गाइस अभी हम ना कुछ खाने आए हैं। मैंने सोचा कि आपको मूवी का थोड़ा रिव्यू दे दूं। अभी भाई ना बाहर गया कुछ लेने। तो गाइस मूवी ना काफ़ी ज़्यादा थ्रिलर लगी और मुझे ना कुछ ज़्यादा ही खतरनाक लगी। मैं ऐसी मूवीज ना देख नहीं सकती हूँ। वैसे मूवी अच्छी थी, भैया को भी काफ़ी पसंद आई, लेकिन मुझे ऐसी मूवीज़ पसंद नहीं है। ये हॉरर नहीं थी लेकिन जादू टूना, वशीकरण, ये सब ना फिर मेरे को ना रात को सपने में भी ये सब आता है। तो बस मूवी अच्छी थी वैसे, लेकिन जिसका दिल थोड़ा कमज़ोर है या जिनको ये सब टूना वगैरह देखना पसंद नहीं है, ये सब से थोड़ा प्रभावित हो जाते हैं जो लोग, तो वो ना ही देखें। वैसे मूवी अच्छी थी। बड़ा ज़्यादा सस्पेंस है यार मूवी में। छोड़ो, मैं स्पॉइलर नहीं दूंगी, लेकिन जिसको देखनी है वो जाके देख लो, बस यही बताना था। अभी देखते हैं क्या मिलता है खाने को, फिर खा के घर जाऊंगी, देन आगे देख लेना क्या होता है। इसकी चटनी स्पाइसी लगेगी कैसे? सो गाइस आज मंडे है एंड कल मैंने ना ब्लॉग कंटिन्यू नहीं किया था घर आने के बाद। मैं सच बताऊं तो मुझे याद ही भूल गया था कि मैं ब्लॉग बना रही हूँ, इस वजह से मैं भूल गई थी और मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। तो आज मैं ये ब्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ एंड अभी ना मेरे को ऑफिस जाना है और मैं आपको बता दूँ कि आज ऑफिस मेरा लास्ट डे है एंड मैं ये ऑफिस क्यों छोड़ रही हूँ, क्या है वो सब मैं आपको बता दूंगी। ब्लॉग में बने रहना। फिलहाल के लिए मैं नहाने जा रही हूँ। काफ़ी दिनों से ना ये कर ली बाल रखे हैं मैंने, अब मैं थोड़ा चेंज करने का सोच रही हूँ। चेंज करने का कि मतलब अपने नॉर्मल लुक में आ रही हूँ, तो इसलिए मैं नहाकर हेड वॉश करूँगी और फिर बाल सीधे हो जाएंगे मेरे। तो अभी ये बताना था कि आज मंडे हो गया, अभी मैं ऑफिस जाऊँगी रेडी होकर एंड अब मैं आपको रेडी होकर मिलती हूँ, ठीक है। हे एवरीवन, सो गाइस मैं रेडी हो गई हूँ ऑफिस के लिए। अभी ना लेट हो रही हूँ इसलिए ज़्यादा बातें नहीं करूँगी, नीचे जाके अभी मुझे ब्रेकफास्ट भी करना है और फिर मैं निकल रही हूँ ऑफिस के लिए। बाकी पूरा लुक आपको ऑफिस चल के दिखाती हूँ एंड अभी ना मेरे बाल भी गीले हैं, सूखे नहीं, और मैंने ड्राई भी नहीं करी क्योंकि मुझे ऐसे ही अच्छे लग रहे हैं। तो चलती हूँ अब। ये सारा उसमें आनी है, यूट्यूब में आनी है। ऐसे मैं जा रही थी, मेरे को बड़ा रोना आ रहा था। हैप्पी लीविंग डे टू यू, हैप्पी लीविंग डे टू यू। आए
रोक रही है, मैं नहीं हेलो एवरीवन। सो गाइज, मैं घर आ गई हूँ एंड अपना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। वहाँ पे तो खुशी हो रही थी ना, मतलब सेलिब्रेशन जब चल रहा था तो वहाँ पे मुझे इतना फील नहीं हुआ, लेकिन वहाँ से निकलने के बाद मुझे ना बड़ा बुरा लगा कि अब मैं, मतलब चलो मैं उनसे मिलूँगी तो, लेकिन मैं उस ऑफिस नहीं जाऊँगी कभी, और अब मैं जिधर जाऊँगी वहाँ पर सब नए लोग मिलेंगे और अब मैं उनके साथ काम नहीं करूँगी, मैं नए लोगों के साथ काम करूँगी। तो थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी उस टाइम पे, कुछ नहीं हुआ उस टाइम पे, तो सर बोल रहे थे रोना मत रोना मत, तब मैं खुश थी कि हाँ ठीक है क्योंकि तब सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन जैसे ही ऑफिस से निकली तो मुझे हर्ट होना स्टार्ट हो गया। तो गाइस, अभी मैं घर आ गई हूँ एंड अब वो ऑफिस मेरा पुराना ऑफिस था एंड अब मैं नई जगह ज्वाइन करने वाली हूँ। तो मैं कहाँ ज्वाइन कर रही हूँ वो ना मैं आपको बाद में बताऊँगी, अभी मेरी ज्वाइनिंग नहीं डली है, ज्वाइनिंग के बाद मैं आपको बताऊँगी, मैं ऑफिस का ही ब्लॉग बना दूँगी। तो फिलहाल के लिए अभी हम जा रहे हैं, मतलब हम, मतलब मैं और मेरी फैमिली जा रहे हैं कुछ डिनर करने, क्योंकि जब से मेरा ऑफर लेटर आया हमने पार्टी नहीं करी थी। मैंने सोचा था कि इधर से रिलीविंग लेने के बाद ज्वाइनिंग से एक दिन पहले मैं सेलिब्रेट करूँगी इस चीज़ को। तो अभी कल मेरी ज्वाइनिंग है और आज मैं रिलीव हो गई हूँ मेरे पुराने ऑफिस से, तो बस यही बताना था एंड अभी मैं चेंज करूँगी और फिर हम निकल जाएंगे। यार समझ नहीं आ रहा मैं खुश हूँ या उदास हूँ, मतलब समझ नहीं आ रहा, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मतलब नई जगह जाना, पता नहीं, चलो बाद में मिलती हूँ ठीक है। रायता तो वैसे भी डालती रहती है, कम कम डाल, इतना खाएगी। माना डाइटिंग कर रही है, माना डाइटिंग कर रही है, ठीक है डाल रही है नमक वगैरह। देखो उस, देखो भाई साहब नमक देखो कितना भर के डाला है, कोई नहीं चल चाट मसाला, चाट मसाला भी नमक ही है। हम लेंगे गग्गर वाली आदत है, इधर भी कटोरियां इकट्ठी कर रही है, बस ये बफे का पूरा फायदा उठा रही है, गलत ये तो बिरयानी है, ये बंद ही कर दे, ये भी नहीं है काम का। हाँ पता है तुझे डिश, डिश के नाम पता है तुझे, पता मुझे बाद में आते हैं, बस काफी है इतना, ये देखो इतना खाती है। हेलो एवरीवन, सो गाइस अभी हम घर आ गए हैं एंड अभी काफी ज्यादा टाइम हो गया, काफी ज्यादा 12 से भी ज्यादा हो गया, एग्जैक्ट टाइम बता यार, दिखा मुझे 12:23 हो गए हैं। सो गाइस ये ब्लॉग ना मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, आई होप आपको ये ब्लॉग देखने में मजा
भाई तेरी बॉडी बड़ी है ना, मेरा मेरी बॉडी छोटी। सही बात है यार, पहले मेरा शरीर कितना बड़ा लगता था नी, है नी, तो मेरा मुंह जुड़ा थी भाई, ग्रोथ तो अच्छी हो गई है, बस ना आने लगे वापस से। वीडियो ऑन है। हेलो 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 मेरे काका, आजा 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 आजा।